हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्ण राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सेल्फ प्रिपरेशन 24/7। लास्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड पार के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेकंड पार मतलब महाराजा रणजीत सिंह क्यों? क्योंकि वही एक तरीके से सिख एम्पायर के फाउंडिंग स्टोन टाइप के रहे। उन्होंने सिख एम्पायर को बिल्ड किया है। कैसे? उन्होंने जो 12 मिसल्स को किस तरीके से यूनाइट करके अपना एक एम्पायर खड़ा किया और उसको लाहौर तक एक्सपैंड किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग उनके सक्सेसेस के बारे में और एंग्लो सिख वॉर के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डेथ के बाद कई उनके ऐसे सक्सेसर्स आते हैं, जो कि लिस्ट में सबसे पहला नाम है खड़क सिंह। राजा महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद खड़क सिंह आते हैं, फिर निहाल सिंह, फिर शेर सिंह और फिर दिलीप सिंह। इन तीनों से बहुत ज्यादा हमें मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई काम के ज्यादा रहे नहीं। कहने का मतलब एक तरीके से इनकॉम्पिटेंट राजा थे ये लोग, आए और इनकी मृत्यु हो गई। इनसे हमें ज्यादा दिलीप सिंह से क्यों? क्योंकि ये रानी जिंद कौर कौन है? रानी जिंद कौर महाराजा रणजीत सिंह की यंगेस्ट विडो थी। कहने का मतलब महाराजा रणजीत सिंह की तो कई शादियां हुई थी, रानी जिंद कौर जो है वो उनकी सबसे यंगेस्ट या सबसे जवान विधवा कह लीजिए, उनकी सबसे यंगेस्ट थी। इनका लड़का था दिलीप सिंह। ये दिलीप सिंह 5 साल के थे जब इनको सिख एम्पायर का राजा घोषित कर दिया गया और रानी जिंद कौर इनके रेजेंट के तरह काम कर रही थी। कहने का मतलब जिस तरीके से बैरम खान है ना, बैरम खान और अकबर का आपको याद होगा कि जिस तरीके से अकबर को जो है गद्दी पे बिठा के बैरम खान जो है सत्ता को संभालता था, उसी तरीके से रानी जिंद कौर ने दिलीप सिंह को अपने लड़के को, 5 वर्षीय पुत्र था इनका, छोटा लड़का था, इनको सत्ता पे बिठा के जो है वो पूरा सत्ता संभाली। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने एंग्लो सिख वॉर की तरफ। ये टेबल एक आपके लिए अरेंज किया हुआ है, ये रीजन ट्रीटी आउटकम। इस टेबल को डिस्कस करने से पहले एक बार हम ब्रिटिशर्स की पोजीशन को समझ लेते हैं कि इंडिया में किस तरीके से ब्रिटिशर्स की पोजीशन क्या थी उस समय। ये मिड 19 का जो दौर चल रहा है इसमें हो क्या रहा था इस समय तक आते आते। अगर आप लोग देखिए तो ब्रिटिशर्स क्या बंगाल जीत चुके थे, बिहार जीत चुके थे, कर्नाटक, जो मैसूर वॉर हम लोगों ने देखा मैसूर जीत चुके थे, मराठास को भी जीत चुके थे और कई ट्रीटीज करके ये जो डेक्कन सल्तनत थी निजाम को भी अपने अंडर मिला लिया था। तो कहने का एक बहुत बड़ा पार्ट इंडिया का ये अपने अंडर हथिया चुके थे। अवध को भी आपने देखा कि किस तरीके से बैटल ऑफ बक्सर में अवध के कई एरियाज, इलाहाबाद को जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो कि कैसे अवध के एरियाज को भी उन्होंने मिला लिया। तो कहने का ओवरऑल मेरा मतलब यह है कि इंडिया के लार्ज पार्ट को इस समय तक आते आते ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। अब यही कुछ और छोटे मोटे और इंडिपेंडेंट राज्य पार्टियां कह लीजिए कि एरियाज लैंड रह गए थे, जिसके वजह से इनके ऊपर भी ब्रिटिशर्स की नजर थी और ये नजर एक तरीके से एंग्लो सिख वॉर के उसमें हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द सिख कम्युनिटी बिटवीन 1845 to 1846। इसके रीजन क्या क्या है? वीक सक्सेसर, ये हमारे ये रीजन। इनके ये जो महाराजा रणजीत सिंह के जो सक्सेसर्स आए वो काफी एक तरीके से वीक थे। फिर और क्या? इनकी एक्सपेंशन पॉलिसी। ये एक्सपेंशन पॉलिसी अभी इसीलिए मैंने इस चीज को डिस्कस किया कि बंगाल कब्जाना, बिहार कब्जाना, इलाहाबाद ले चुके, हैदराबाद ले चुके, मराठन एम्पायर को पूरा ध्वस्त कर चुका, मैसूर एम्पायर को ध्वस्त कर चुका। तो कहने का मतलब अपने एरिया को एक्सपैंड कर रहे थे। ये एक्सपेंशन पॉलिसी ब्रिटिशर्स की काफी हद तक इसमें रीजन बनी। इस वॉर को 2 ट्रीटी से खत्म किया गया। यह ट्रीटी तो मेन लाहौर ही थी, ये तो एक सब्सिडरी ट्रीटी है, इसके बारे में अपने बताते हैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर से इस वॉर को एंड किया गया, विच वॉज साइन ऑन March 9, 1846। इस ट्रीटी के कुछ की पॉइंट्स हैं। राजा दिलीप सिंह को पंजाब का राजा मान लिया गया बाय द ब्रिटिशर्स और ये जो इस एंग्लो सिख वॉर में जो लड़ाई के मतलब लड़ाई के कॉन्सिक्वेंसेज जो है ये इनसे भरवाने के लिए इन्होंने कहा कि हमें 1.2 करोड़ पाउंड, उस जमाने की बात हो रही है, मतलब 1.2 करोड़ पाउंड जो है इन्होंने कहा कि हमें वॉर इंडेमनिटी पे किया जाए, वॉर डैमेजेस पे किया जाए हमें। और इनके पास उतना पैसा तो था नहीं। तो एक चीज ये समझिए कि एक राजा गुलाब सिंह, ये एक इंडियन प्रिंस थे, इन्होंने कश्मीर के एरिया को ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीद लिया 750,000 पाउंड पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें आपको दे दे रहा हूं। और इनके हाथ से और क्या निकल गया? कश्मीर निकल गया, हजारा निकल गया, जलंधर दोआब। ये दोआब क्या होता है? ये दोआब एक ऐसा रीजन है जो दो रिवर्स के बीच में मतलब रीजन पड़ता है, दोआब उसको कहते हैं। तो यानी कि ये जलंधर दोआब किसके?
चेनाब और चेनाब एंड सतलज के बीच का ये एरिया था जलंधर दोआब। तो ये एरिया भी कब्जा लिया गया। कहने का मतलब ये सब काफी इंपॉर्टेंट एरिया थे सिख कम्युनिटी के लिए या सिख एम्पायर के लिए, सॉरी कम्युनिटी नहीं बोलेंगे एम्पायर। तो ये सारे एरियाज कब्जा लिए गए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये इस तरीके से इस ट्रीटी ऑफ लाहौर से ये 1845 से लेके 1846 का ये जो वॉर चला एंग्लो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, इसको समाप्त किया गया। एक आगे हम लोग उसी साल में एक और ट्रीटी देखते, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ये साइन हुई थी बिटवीन दिसंबर 16, 1846 को ये साइन हुई थी। और इसमें दो चीज, ये एक चीज और एक और मेंशन किया गया था कि रानी जिंद, ये जो रानी जिंद कौर है इनको 150,000 रुपीज की पेंशन दी जाएगी। और रानी जिंद कौर ने इस चीज को और रिक्वेस्ट की ब्रिटिशर्स से कि जब तक ये राजा दिलीप सिंह 16 ईयर्स के ना हो जाए तब तक एक तरीके से ब्रिटिश कस्टडी या एक तरीके से उनको प्रोटेक्शन टाइप की मिले। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 1848 to 1849, यानी कि ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर रहा है। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए आपके लिए है नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये समझ ही चुके थे कि ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर से इन्होंने सिख ये एम्पायर को काफी हद तक कमजोर कर दिया था। बस ये एक सेकेंड वॉर उनकी हुई और एज यूजुअल ब्रिटिशर्स विक्टोरियस निकले। दिलीप सिंह को पेंशन 50,000 की दी गई और इनको ब्रिटेन भेज दिया गया पढ़ने के लिए। अब ये सेकेंड ये जो वॉर जब खत्म होता है तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ब्रिटिशर्स के हाथ लग जाती है, वो है कोहिनूर हीरा। ये कोहिनूर हीरा के मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए। कोहिनूर हीरे को माउंटेन ऑफ लाइट, ऐसा माउंटेन ऑफ लाइट कहके भी रेफर किया जाता है कोहिनूर हीरे को। ये गोलकोंडा के माइन से निकला था और हम लोग ये इस चीज के बारे में पढ़ते हैं कि इस पे इंडिया का अधिकार 1739 तक बना रहा। 1739 तक ही क्यों? क्योंकि आपने प्रीवियस अगर मेरे लेक्चर्स आप फॉलो करते आ रहे तो उसमें मैंने ये चीज क्लियर की थी कि 1739 में एक ईरानियन रूलर कौन, ये नादिर शाह, ये इंडिया पे आके अटैक करता है। उस समय पोस्ट मुगल पीरियड यानी कि मोहम्मद शाह, जिनको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, वो उस समय राज किया करते थे। पोस्ट मुगल पीरियड का एक बादशाह हुआ करता था वो। और उसके टाइम पीरियड पे 1739 पे नादिर शाह का अटैक होता है, तख्ते हौस लेके चला जाता है, कोहिनूर हीरा लेके चला जाता है, ये सारी चीजें वो लेके यहां से चला जाता है। तो एक ये चीज है। फिर नादिर शाह का एक तरीके से उसको मार दिया जाता है बाय हिज ओन कंटेम्पररी, दैट इज मर्डर्ड बाय अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी नादिर शाह को मार देता है तो वो हीरे का पोजिशन उसके पास पहुंच जाता है और अहमद शाह दुर्रानी अपने ही एक डिसेंडेंट शाह सुजा दुर्रानी को ये हीरा देते देते, मतलब कहने का मतलब ये अहमद शाह दुर्रानी से शाह सुजा के पास पहुंच जाता है ये हीरा। अब यहां से एक इंडिया में वापस आने की इसकी क्या है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट बनेगा कि और ये वाला कि महाराजा रंजीत सिंह शाह सुजा को अपने एम्पायर में, जब महाराजा रणजीत सिंह जी जब जीवित थे उस समय की बात हो रही है, तो शाह सुजा को अपने एम्पायर में रिफ्यूज देते हैं और इसके बिहाफ पे या इसके रिटर्न में ये शाह सुजा के पास जो कोहिनूर हीरा रहता है वो ये महाराजा रणजीत सिंह को दे देता है। और फिर महाराजा रणजीत सिंह के पास यानी कि सिख एम्पायर के पास ये हीरा रहता है और फिर ये सिख एम्पायर के पास से सेकेंड एंग्लो वॉर के बाद, ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद ये दोबारा ब्रिटिशर्स के हाथ लग जाता है और ऐसे जो है ब्रिटिशर्स मतलब सौंप दिया जाता है महारानी के, अब तो वो म्यूजियम में रखा हुआ है, महारानी के मुकुट में लगा हुआ है। तो ये था हमारा एंग्लो सिख वॉर और सक्सेसर्स ऑफ रंजीत सिंह। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, पढ़ते रहिए।